हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी। वेलकम टू आवर ड्रीमलैंड चैनल। 2019 का ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसीलिए मेरा सभी फ्रेंड्स को हैप्पी न्यू ईयर। आप सब कैसे हैं? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे से हैं और विंटर का फुल मज़ा ले रहे हैं और बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर रहे हैं। और आप लोग को अभी तो पता चल गया है कि मैं मेरा जितना भी डायंथस का प्लांट्स है वो सब आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और कैसे मैं इसका केयर करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, ये सब लेके आज का वीडियो है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, इस तरह से अभी फ्लावरिंग हो रही है। डायंथस एक विंटर का फ्लावर है, लेकिन थोड़ा बहुत मेंटेन करने से ये पूरे साल गार्डन में रहता है। समर के टाइम में शेड में रखना चाहिए और अच्छे से वाटरिंग करने से सर्वाइव कर जाता है। फ्लावर तो सभी लोग को पसंद होता है, और अपने घर में छोटा छोटा प्लांट्स लगाना, थोड़ा बहुत गार्डनिंग करना, ये भी बहुत सारे लोग का शौक होता है। लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी अपार्टमेंट में रहता है, और जगह की शॉर्टेज हो जाने की वजह से वो लोग गार्डनिंग नहीं कर पाते हैं। मेरा जितना भी फ्रेंड्स अपार्टमेंट में रहते हैं या घर में जगह कम है, उन सभी फ्रेंड्स को मैं ये वाला प्लांट्स ज़रूर से सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ये प्लांट बहुत कम जगह में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, और इसका बहुत सारा कलर वैरायटी मिलता है, और ये दिखने में बहुत ही सुंदर है। और ये तो फुल सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन पार्शियल सनलाइट में भी ये बहुत अच्छे से चलता है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं वो अपने बैल्कनी के लिए ये प्लांट्स खरीद सकते हैं और अच्छे से ग्रो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये शेडी एरिया में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, और ये वेल ड्रेन सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है। मैंने इसके लिए जो सॉइल प्रिपेयर किए हैं उसमें कोकोपीट है, थोड़ा बहुत वार्मी कंपोस्ट है, गार्डन सॉइल है और काउडंग भी है। कोकोपीट मैंने यूज़ किए हैं ताकि सॉइल में थोड़ा मॉइस्चर रहे, और ये सॉगी सॉइल तो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर इसके सॉइल में होना ज़रूरी है। और इसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ केयर की ज़रूरत नहीं होती है। जो लोग बिगिनर्स हैं, नए नए गार्डनिंग कर रहे हैं, वो लोग भी इस प्लांट को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। और केयर की बात करें तो इसका डेड हेड करना पड़ता है, प्रूनिंग भी करना पड़ता है। डेड हेड करना पड़ता है क्योंकि फ्लावर हो जाने के बाद वो जो फ्लावर है उसको तोड़ देना चाहिए, कट कर देना चाहिए, नहीं तो प्लांट्स का जो एनर्जी है वो एनर्जी वो सीड बनाने के लिए दे देगा और फ्लावरिंग कम हो जाएगा। तो फ्लावर ज़्यादा पाने के लिए डेड हेड कर देना है, और थोड़ा बहुत प्रूनिंग करने से प्लांट्स बुशी भी हो जाएगा। और इस प्लांट को हम लोग किस किस तरह से ग्रो कर सकते हैं? ये जो प्लांट है इसको हम सीड से ग्रो कर सकते हैं, और डिवाइड करके प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, और कटिंग से भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और जो पॉट है, देखिए कितना छोटा पॉट में मैं इसको ग्रो किए हैं, इस तरह का गमले में मैं इसको ग्रो किए हैं, और ये इस तरह का गमले में आप लोग बालकनी में भी ग्रो कर सकते हैं, इसका वेट ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट के बारे में जितना भी मुझे जानकारी है, मुझे तो लगता है मैं सभी आप लोग के साथ शेयर किए हैं, फिर भी अगर कुछ क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो आप लोग को कैसे लगा ये मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरा वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप लोग को हेल्पफुल लगे और पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।